दी आप सो गए? हाँ अब बस सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। तू भी सोचा गिनी, कल से नॉर्मल लाइफ की शुरुआत करनी है। मैं ऑफिस जाऊंगी और तू कॉलेज चली जाना। चल सो जा। क्या सचमुच अंकल जी यहाँ से सबको लेकर चले जाएंगे? क्या सचमुच में सब यहाँ से चले जाएंगे कल? अगला नंबर हमारा है। और अगर सबने मना कर दिया तो? तो भगा के ले जाऊंगा। तूने तो बोला था कि कल का सूरज सबसे अच्छा होगा, पर कल तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल तुम सब चले जाओगे, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे? क्या हम कभी एक नहीं हो पाएंगे? बोलना ध्रुव, बोलना। क्या सच में हमारे परिवार अलग हो जाएंगे? क्या अंकल जी और पापा की सालों पुरानी दोस्ती एक इंसान के कारण टूट जाएगी? बोलना ध्रुव, क्या सब कुछ बिखर जाएगा? बोलना, बोलना ध्रुव, बोल। गिनी, तेरे इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। देखना गिनी, एक पल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बिखर गया। ये सब कुछ उस लिपिका की वजह से हुआ है, उसी ने हमारे घर को नजर लगाई। नहीं गिनी, जब अपने घर का सिक्का ही खोटा होता है तो किसी और को दोष नहीं देते। माना कि लिपिका की नीयत बुरी थी, लेकिन वो पराई थी। और हमारे दक्ष भैया, वो तो हमारे अपने थे ना, फिर वो इतने इतने कमजोर, इतने खुदगर्ज कैसे हो गए? उस लिपिका को अपना मकसद याद रहा, लेकिन हमारे दक्ष भाई, वो सारे संस्कार, अपनों की इज्जत कैसे भूल गए? गिनी, इन सब के गुनहगार दक्ष भैया हैं गिनी, सिर्फ दक्ष भैया। कहां तो हमने सोचा था कि शादी के बाद कल सुबह हम सबको अपने प्यार के बारे में बताती, सबकी खुशियां दुगनी हो जाएगी, सबकी खुशियां बढ़ जाएगी गिनी। लेकिन इन बदले हुए रिश्तों के आगे हमारे रिश्ते की बात कहीं कहीं खो सी जाएगी गिनी।
मुझे कुछ नहीं पता गिनी कि कल कल क्या होगा। दक्ष भैया ने अपने स्वार्थ के लिए अपना फ्यूचर तो बना दिया गिनी, लेकिन लेकिन दो परिवारों के फ्यूचर को अंधेरे में ढकेल डाला गिनी। कल तुम लोग यहां से चले जाओगे क्या? हम दोनों के परिवार टूट जाएंगे। नहीं गिन्नी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस परिवार को अलग होने नहीं दूंगा। सारे सपने टूट गए, उम्मीदें टूट गई, लेकिन अब हम इस परिवार को नहीं टूटने देंगे। गिन्नी क्या करेंगे कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा प्यार, हमारा परिवार हम नहीं टूटने देंगे। गिन्नी हम इसको नहीं बिखरने देंगे। आज से, अभी से मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हर रिश्ता खत्म करता हूं। अब बस भी कीजिए ना, जो करना है वो सुबह देखेंगे। मेघा, मेघा आज हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन तुम ऐसे उदास रहो। इसके लिए शादी नहीं की थी मैंने तुमसे। तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखने का वादा किया है मैंने। तुम्हारे इन आंसुओं को मैं अपनी हार मानूंगा। तुम बताओ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा दिल जीतकर भी हार जाऊं? सॉरी रोहित, अचानक घर में इतना कुछ हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। I'm sorry. I think तुम्हारी मॉम भी मुझसे नाराज है। क्या हुआ? Don't worry. तुम दिल खोल के अपनी सास की बुराई कर सकती हो। It's all cool. नहीं रोहित, मेरा वो मतलब नहीं था। Just kidding यार। मैं बात करूंगा ना उनसे, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे तो भरोसा है कि नहीं? बस अब सारी टेंशन छोड़ दो एंड गिव मी अ स्माइल। स्माइल? अरे आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम ऐसे कर रही हो। पहली बार तुमसे कुछ मांगा है? थोड़ी सी और, थोड़ी सी और।
आई लव यू। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तुम काफी थक गई होगी ना, जाके फ्रेश हो जाओ। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो गिनी और ध्रुव की है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्यार दुनिया के सामने आने से पहले ही खत्म हो जाए। मेघा के बारे में सोच रही हूं ना? हामिद, मेघा के बारे में सोचती हूं तो डिम्पी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। पता नहीं ये सब क्यों और कैसे हो गया। देख तेरे पापा कैसे बुत बने बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और उधर अवतार भाई साहब ने कह दिया है कि कल सुबह हमें घर छोड़ना हो। क्या होगा, कहां जाएंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, कल सुबह कहां जाएंगे, कुछ सोचा है? बाबा ऐसे चुप मत रही, कुछ तो कही प्लीज। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं हो, प्लीज। पता नहीं कल का सूरज हमारे लिए क्या लेकर आएगा। ये गिन्नी कहां चली गई, वो भी इतनी रात को। प्लीज मेरी बात सुनो,
मैं जानता हूं मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं किया, पर ये सब करने की मेरी वजह थी। लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं गुनहगार हूं। मैं आज यहां किसी से माफी मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ तुमसे सॉरी कहने आया, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने आया, क्योंकि मुझसे सवाल करने का पूरा हक है।